अब तक फरीदाबाद में कौशल गैंग की कॉल से लोग डरते थे, लेकिन अब आपको बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर, आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर आपके सामने आ रही है। कुलदीप बिश्नोई के ठिकाने पर रेड जारी है। तो कुलदीप बिश्नोई के ठिकानों पर रेड जारी है। सुबह से ही कुलदीप बिश्नोई के ठिकानों पर रेड मारी जा रही है। पहले हिसार में इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा, उसके बाद मंडी आदमपुर स्थित उनके दूसरे ठिकाने पर छापेमारी की गई। कई मामलों की छानबीन में जुटा है इनकम टैक्स विभाग। इनकम टैक्स विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। हिसार के मंडी आदमपुर में छापेमारी जारी है। वहीं दिल्ली के एक फार्म हाउस में, जो कि कुलदीप बिश्नोई का ही बताया जा रहा है, वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। किसी को भी घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इनकम टैक्स विभाग बंद दरवाजे के पीछे पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें छानबीन की जा रही है। कुलदीप बिश्नोई के ठिकानों पर रेड जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता सुनील यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुनील, जिस तरीके से सुबह से ही कुलदीप बिश्नोई के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई, उसके बाद दिल्ली के फार्म हाउस पर भी छापेमारी की गई, हालांकि दिल्ली पुलिस भी इसमें उनका काफी सहयोग कर रही है, फिलहाल क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है? देखिए आरती, पिछले तकरीबन 12 घंटे से लगभग ये रेड चल रही है और अभी तक जो आयकर विभाग की टीम है वो अभी भी फार्म हाउस के अंदर मौजूद है। साथ ही जो आपने जिक्र किया, दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है ताकि बाहर से फार्म हाउस से कोई अंदर ना जा सके। इतनी लंबी रेड चल रही है, जाहिर सी बात है कुछ अहम दस्तावेज जो आयकर विभाग की टीम है उनके हाथ लगे हैं, इसीलिए उनको खंगालने में इतना समय लग रहा है। अब देखना होगा कि अभी कितनी देर और ये रेड चलती है और जो आयकर विभाग की टीम है उनको क्या कुछ खास इस रेड में मिलकर मिलता है। जी, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ खास निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल क्या वहां पर यही स्थिति है कि दिल्ली पुलिस को बाहर तैनात किया गया है, किसी को अंदर आने जाने नहीं दिया जा रहा है और काफी वक्त हो चुका है, शाम हो चुकी है, रेड कब तक जारी रहेगी, कोई अपडेट इस बारे में आपको मिली हो? देखिए आरती, जब इस तरह की रेड की जाती है तो जाहिर सी बात है कि किसी को भी इसकी जानकारी नहीं होती है कि ये रेड जो है वो कितनी लंबी चलेगी, क्योंकि जो आयकर विभाग की टीम है वो तमाम दस्तावेज खंगालेगी, उन तमाम जगहों पर सर्च करेगी जहां पर उनको संदेह होगा कि कोई संदेह चीज जो उनको मिल सकती है जिस सूचना को लेकर ये रेड की गई है। जब तक ऐसे दस्तावेज नहीं मिलेंगे तब तक ये रेड जारी रह सकती है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो बाहर से किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है और अभी भी ये रेड तकरीबन 12 घंटे होने वाले हैं। जानकारी ये है कि सुबह तकरीबन 7:30 बजे रेड शुरू की गई थी और अब 7 बज रहे हैं। ऐसा में देखना होगा कि कितनी देर और ये रेड चलेगी और क्या कुछ खास निकल कर आता है इस रेड में। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ हिसार से विकास बिश्नोई हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरीके से सुबह से रेड चल रही है, कुलदीप बिश्नोई के अलग अलग ठिकानों पर रेड मारी गई, इनकम टैक्स विभाग की टीम मौके पर मौजूद है, लगातार रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, किसी को बाहर आने की इजाजत नहीं है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, फिलहाल क्या तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल आरती, 11 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और अभी स्थिति हूबहू है, यानी कि सुबह जो 8:30 बजे जो तस्वीरें थी अब भी वही तस्वीरें हैं, एक परिंदा भी नहीं दिख रहा है, यानी कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो बंद दरवाजों के अंदर हो रही है और हिसार की सेक्टर 15 की, चाहे कुलदीप बिश्नोई की कोठी हो या फिर मंडी आदमपुर में आड़त की दुकान हो, दोनों ही जगह अभी भी डटे हुए हैं जो कर्मचारी अधिकारी हैं इनकम टैक्स के। हिसार के अंदर तो 7:30 बजे एंट्री की थी जो अधिकारी है उन्होंने, और क्योंकि 50 किलोमीटर ज्यादा आगे पड़ता है आदमपुर, तो वहां पर 8:15 के करीब ये लोग दाखिल हुए थे। बड़ी बात यह है कि भव्य बिश्नोई आदमपुर में मौजूद थे, उनकी गाड़ी की भी पहले चेकिंग की गई, उसके बाद दुकान के अंदर जो अहम दस्तावेज हैं उनकी जांच पड़ताल चल रही है। नीचे जो फ्लोर की दोपहर तक जांच हो गई थी, उसके बाद जो ऊपर का फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है दुकान का, उसकी जांच चल रही थी, लेकिन बड़ा जो चीजें मिलनी है वो या तो दिल्ली से बरामद होनी है या फिर ये सेक्टर 15 की जो कोठी है यहाँ से बरामद होनी है। अहम जो दस्तावेज है ये नहीं है कि कुछ बेनामी संपत्ति की कुछ दस्तावेज हो यहाँ से बरामद हो या फिर दूसरी चीजें, संदिग्ध चीजें यहाँ से बरामद हो सकता है कि बहुत सारा डाटा है वो, क्योंकि यहाँ सारे बहुत सारे कंप्यूटर्स भी इस कोठी के अंदर हैं और बहुत सारे दस्तावेज भी यहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि यही दिल्ली के बाद यही एक ठिकाना है कुलदीप बिश्नोई का जहां बैठकर वो अपने तमाम ऑपरेशन को अंजाम देते हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक मकसद से जब भी हिसार आते हैं तो इसी कोठी पर बैठते हैं, कार्यकर्ताओं से भी इसी कोठी में मीटिंग होती है, दूसरे जो काम है वो भी यहीं बैठकर होते हैं और यहाँ एक अलग से, जैसे
उनके जो कर्मचारी हैं पांच छह वो काम करते हैं, जिसमें यहाँ हिसार कोठी की जो देखरेख करते हैं, यहाँ का जो लेन देन देखते हैं आसपास का या जो भी फाइनेंशियल चीजें हैं यहाँ की, वो यही इसी कोठी से मैनेज होती है। तो हर एक दस्तावेज की गहनता से जांच हो रही है और शायद कुछ ऐसा मिला होगा या फिर दस्तावेज बहुत ज्यादा होंगे जिनकी जांच में अधिक वक्त लग रहा है, तभी तो आप देखिए 11 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। इतना टाइम लगता है जब भी आईटी की तरफ से रेड डाली जाती है, दो दो दिन लग जाते हैं। लेकिन अब पहले सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली थी, अंदर से कुछ सूचना आई थी कि हो सकता है 6 बजे तक ये रेड है वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन अभी 7 बज गए हैं और हो सकता है कुछ और वक्त लगे। पुलिस का पहरा है, अच्छी खासी संख्या में पुलिस के जवान है, हिसार कोठी है उसके बाहर मैं खड़ा हूँ, अच्छी खासी संख्या में है, क्योंकि दोपहर को जैसे जैसे कुलदीप बिश्नोई के कार्यकर्ताओं को पता लगा कि इनकम टैक्स ने रेड डाली है तो यहाँ पर लोग एकत्रित होना शुरू हो गए थे, लेकिन पुलिस ने उनको वहां से खदेड़ दिया। आदमपुर के अंदर खबर ये है कि आदमपुर के अंदर अभी भी दुकान के बाहर अलग अलग जगहों पर लोग उनके समर्थक है वो बैठे हुए हैं, हर कोई जानना चाहता है कि क्या गलती हुई है कुलदीप बिश्नोई से, या क्या कुछ कहीं कुछ संदिग्ध तो नहीं पाया जाता, कहीं कुछ कुलदीप बिश्नोई के ऊपर कार्रवाई तो ना हो जाए। लोगों ने जो उनके समर्थक हैं बीजेपी को कोसना भी शुरू कर दिया है कि सरकार की निशानदेही पर ये तमाम चीजें हो रही है। कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई के फेसबुक पेज से, ऐसा नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई ने खुद वो पोस्ट की हो, लेकिन उनके नाम से जो फेसबुक पेज बने हुए हैं उन पर यह लिखा हुआ है कि धैर्य से काम ले, जीत सच्चाई की होती है और हम सच के रास्ते पर चलते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे, साफ राजनीति हम करते आए हैं आगे करते रहेंगे। तो ये तमाम चीजें ही, ये तमाम अपडेट है 7 बजे तक। उम्मीद यही करते हैं कि शायद कुछ मिनटों में आधे घंटे तक यहाँ से जो आईटी की टीम है उसकी कार्रवाई पूरी हो जाए और जब वो बाहर निकलेंगे तब पता चलेगा कि अंदर से कौन कौन सी अहम चीजें वो अपने साथ लेकर गए हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जितनी भी हार्ड डिस्क है यहाँ पर कंप्यूटर की, वो तो अपने साथ लेकर जाएंगे, उसके अलावा कुछ भी संदिग्ध अगर दस्तावेज उनको मिलता है तो वो जी, भी बिल्कुल विकास मिश्रा जी, बहुत सही आपने बताया कि हो सकता है कि अगले आधे घंटे या एक घंटे तक ये पूरी कार्रवाई हो जाए। सुनील यादव भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी सुनील यादव, एक और ट्वीट भी सामने आया है जिसमें रेणुका बिश्नोई ने कहा है कि सरकार की तरफ से दबाव बनाने के लिए रूटीन छापेमारी की गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आरती, जब भी किसी नेता पर जो सत्ता पक्ष का नहीं है उनके ऊपर अगर इस तरह की रेड की जाती है तो जाहिर सी बात है कि उनका जो सीधा सीधा आरोप होता है वो सत्ता पक्ष पर होता है कि बदले की भावना से या राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह की जो रेड है वो कराई जाती है। हमने पहले भी कई बार देखा है जो नेता है उन्होंने कई बार जो इस तरह की जांच एजेंसियां है, केंद्रीय जांच एजेंसियां, उन पर आरोप लगाया है कि ये सरकार का तोता होती है, इसीलिए सरकार के कहने पर इस तरह की रेड कराई जाती है। लेकिन ये हमारे लोकतंत्र का एक प्रतीक है कि हमारे यहाँ जो सेंट्रल एजेंसीज है उन पर किसी का प्रभुत्व नहीं होता है, हालांकि आती वो सरकार के अंदर ही है लेकिन उनको खुली छूट होती है कि जिस पर भी संदेह होता है या जिसकी तरफ से जिसके खिलाफ शिकायत मिलती है केंद्रीय एजेंसीज को, वो तमाम जांच पड़ताल करती है। और ऐसा नहीं है कि इस तरह की जो जांच है वो राजनीति कारणों से प्रेरित होकर की जाती हो, क्योंकि जब इस तरह की रेड की जाती है तो जाहिर सी बात है कि पुख्ता सबूत होते हैं, जो शिकायत दी जाती है उसमें कहीं ना कहीं सबूत दिए जाते हैं और उन्हीं सबूतों के आधार पर जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरा आधार बनाकर इस तरह की रेड कंडक्ट करती है। और जाहिर सी बात है कि जब इतनी लंबी रेड चलती है तो पूरी बारीकी बरती जाती है, पूरी सावधानियां बरती जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की रेड जो है वो असफल होती है या फिर राजनीति प्रेरित होकर की जाती है तो जाहिर सी बात है कि कुछ गलत जो दस्तावेज है या फिर जो गलत जो जानकारियां दी गई है वो सामने ना आए, क्योंकि ऐसे में जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनसे कहीं ना कहीं तो लोगों का विश्वास उड़ जाता है। अब देखना ये होगा कि यहाँ जो इतनी लंबी रेड चल रही है उसमें जो जांच पड़ताल की जा रही है उसमें क्या निकलकर सामने आता है। कंप्यूटर्स हो सकते हैं, कंप्यूटर्स में कुछ जानकारियां हो सकती है, हो सकता है कि कंप्यूटर से कुछ जानकारियां मिटाई गई हो जो संदेह के घेरे में हो, या फिर कुछ ऐसी फाइल्स हो सकती है जिनको अभी ढूंढने में समय लग रहा हो, उनकी जांच पड़ताल करने में समय लग रहा हो। तो हमें इंतजार करना होगा कि कब तक जांच एजेंसियां अपनी इस पूरी जो आज की रेड है उसको कब तक वो पूरा करती है और क्या अहम दस्तावेज उनको यहाँ से मिलता है जो कि जिसके आधार पर ये पूरी रेड कंडक्ट की जा रही हो, जो जिस तरह की शिकायत मिली होगी, देखना ये होगा। अब आने वाले समय कुछ घंटों का हो सकता है, हमें और इंतजार करना पड़े जिसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी क्या आयकर विभाग की टीम को यहाँ से कुछ संदिग्ध मिलता है
कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ या फिर उनको यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। जी आरती जी बिल्कुल, तस्वीर साफ हो पाएगी अगले एक डेढ़ घंटे के अंदर, हो सकता है तस्वीर साफ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विकास बिश्नोई हिसार से थे और वहीं यादव हमारे साथ दिल्ली से जुड़े थे। तो कुलदीप बिश्नोई के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई अभी भी जारी है, छापेमारी अभी भी जारी है। इनके दो ठिकाने हैं दिल्ली और दूसरा हिसार। आदमपुर में इनकी आड़त की दुकान है, वहां पर भी आज इनकम टैक्स ने छापे मारा था और उसी दुकान की दूसरी मंजिल पर फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। हो सकता है कि अगले एक डेढ़ घंटे में ये कार्रवाई पूरी हो सके, लेकिन फिलहाल इसमें काफी वक्त लग सकता है। ये साफ होने में, तस्वीर साफ होने में वक्त लग सकता है कि क्या कुछ निकलकर इस रेड के बाद सामने आता है।